अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिजोन। हम शॉपिफाई सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि हम इंस्टाग्राम फीड्स को अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर कैसे लेके जाते हैं। तो चले आए बगैर टाइम जाए कि ये चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम अपना एडमिन पैनल शॉपिफाई का ओपन करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पे हम क्लिक करेंगे एप्स एंड सेल्स चैनल। ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये शॉपिफाई एप्स हैं, ये सारी एप्स जो हमने इंस्टॉल की हुई है। इसी के लिए ये ऐप है, मैं इसको एक दफा अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। हमने अनइंस्टॉल किया, अब हम देखेंगे शॉपिफाई एप स्टोर में, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे इंस्टा फीड, इंस्टा फीड और एंटर कर देंगे। यहाँ पे वो काफी ज्यादा एप्स को ओपन कर देगा। इंस्टा फीड, इंस्टाग्राम फीड ये भी है, काफी ज्यादा इसमें जो एप्स हैं वो अवेलेबल हैं। हम जिस ऐप के ऊपर काम करेंगे वो है इंस्टा फीड, ये वाली, दिस वन। चले लेट मी क्लिक ऑन हेयर, यानी क्लिक किया और ये हमारे नेक्स्ट हमें जो प्रोसीजर बताएगा वो कहेगा जी इंस्टॉल करें इस ऐप को। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको अपने स्टोर के अंदर लेके जाएंगे। हम एप्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो जिसने नहीं देखी वो उसको देख ले। ये आ गया जी इंस्टॉल माई फर्स्ट स्टोर, जो हमारा स्टोर है वो है, और ये हम जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है ये वो है। इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर, मीन्स शॉपिफाई जो हमारा स्टोर है उसके अंदर आ जाएगी। ये आ गया जी इंस्टॉल। हम सबसे पहले इसको यूं करेंगे, जो ऑप्शन लिए नेक्स्ट पूछता है वेलकम टू मिंट स्टूडियो इंस्टा फीड, कनेक्ट विद इंस्टाग्राम। ये एक एक पॉइंट इसका देखने वाला जी, कनेक्ट विद इंस्टाग्राम, ये हमने क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट हमें बताएगा कि जी आप इसको अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करें। ये यहाँ पे अलाउ करेंगे हम, जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस स्क्रीन पे ले आएगा आपको। अलाउ करें जी, ये अलाउ कर दिया हमने, ये अब उसने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ये हमें दिखा दिया। ये देखें जी इंस्टा फीड और ये सारा वो सामने इंटरफेस लेके आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। फीड टाइटल यहाँ पे हम लिखते हैं माय इंस्टाग्राम, ये लिख लिया। पोस्ट स्पेसिंग नहीं, हम कोई स्पेस नहीं देते। ये कहता है ओपन पॉपअप शो प्रोडक्ट, हम कहते हैं गो टू इंस्टाग्राम, इस पे जाए। लेआउट ग्रिड का रखे, कॉन्फ़िगरेशन ऑटो है। नंबर ऑफ रोज हम कहते हैं जी 4 रख दे, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, सेव कर लिया, ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपने थीम की कस्टमाइजेशन पे, ये आ गए हम यहाँ पे, ये एक दफा वो सेव कर रहा था, ये थीम के ऊपर आ गए हम। ये हम उसको कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज पे आ गए, देन उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करें और ये देखें जी ये ऐप आ गई। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और दोबारा से ऐड करते हैं, ऐड सेक्शन में जाएंगे। ये हमारी एप्स हैं, ये इंस्टा फीड ऐप आ गई हमारी, ठीक है जी। ये आ गया, ये मेरा पहले से मौजूद था, मैं इसको आपके लिए दोबारा से इस सारे को डिलीट कर देता हूँ। लेट मी डिलीट इट अगेन, डिलीट, और ये ऐप थी मेरी, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ हम आएंगे जी ऐड सेक्शन में, यहाँ पे ये ऐप्स हैं, ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारी इंस्टा फीड ऐप ये आ गई, और इसको क्लिक करेंगे, ये देखें जी ये मेरा इंस्टा फीड का, इसके लिए मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है। ये उसने दो पिक्चर्स जो ना ये शो कर दी। ये था एक छोटा सा टॉपिक कि हम इंस्टा फीड जो है उसको कैसे शॉपिफाई के अंदर ऐड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में से आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।